हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज हम देखेंगे कि हम एलिमेंटर प्लगइन के हेल्प से वीडियो कैसे ऐड करते हैं अपने पेज के सेक्शन में। देखिए, वीडियो को ऐड करने का वो ऑप्शन देता है। वीडियो में आप यूट्यूब के वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वो बहुत सारे वीडियो के ऑप्शन देता है कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो ऐड करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को ऐड करना। हम जाएंगे डैशबोर्ड में। देखिए, ये हमारा डैशबोर्ड है और ये मेरा पेज भी ओपन है। ये मेरा पेज वही है जिसपे मैं एलिमेंटर का पूरा यूज कर रहा हूँ। मैंने हेडिंग यूज कर ली है, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं वही यूज कर लिया है, अपने पेज को कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं ये प्रोसेस हमने देख लिया, इमेज को कैसे ऐड करते हैं ये प्रोसेस देख लिया। अब हम देखते हैं वीडियो कैसे ऐड करते हैं। देखिए, वीडियो को ऐड करने के लिए मान लिया जाए कि मुझे वीडियो लगाना है, दो वीडियो लगाने हैं 6:6 के पार्ट में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दो यहाँ से क्या करता हूँ, डिवाइडेशन ले लेता हूँ। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब देखिए, इसमें आपको वीडियो लगाना है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए वीडियो का ऑप्शन है, बस ड्रैग करके लाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एक डमी वीडियो वो आपके सामने क्या कर रहा है, रख रहा है। आपको क्या करना है, जो भी वीडियो दिखाना है, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मुझे यूट्यूब का वीडियो दिखाना है, मैं यहाँ पे गया, ये जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये वीडियो का URL कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। देखिए, ये वीडियो आपके सामने आ गया। अब स्टार्ट टाइम अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, एंड टाइम आपको देना है तो कुछ दे सकते हैं। वीडियो के कुछ ऑप्शन है, ऑटो प्ले आप ट्रू करेंगे, ऑटो प्ले ट्रू करने का मतलब क्या होगा, पेज ओपन होते ही आपका वीडियो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। म्यूट को ट्रू कर दीजिए, मतलब पेज ओपन होते ही स्टार्ट होगा मगर वो उसका जो वॉइस होगा वो क्या होगा, म्यूट होगा, मतलब उसकी आवाज आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगी। लूप को ट्रू कर दीजिए, लूप को ट्रू करने का मतलब मान लिया जाए कि कोई और वीडियो है तो वो साथ में ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है वो भी वीडियो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और प्लेयर कंट्रोल आप यहां से शो कर दीजिए, शो करने का मतलब ये होगा, प्लेयर कंट्रोल का मतलब मैं आपको बता देता हूं। ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे भगाने का ऑप्शन है, नेक्स्ट का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर क्या होते हैं, आ जाते हैं। और यहां से सजेशन वीडियोस में आप बता दीजिए, अगर किसी करंट वीडियो चैनल, मतलब जिस चैनल का वीडियो उसी के वीडियो आपके सजेशन में आने चाहिए तो आप इसको ही चेक कर दीजिए। और इमेज ओवरले में चलिए, इमेज ओवरले को आप यहां से शो कर दीजिए। इमेज ओवरले को शो करने के बाद आपको क्या करना है, मैं बता देता हूं। अगर मान लिया जाए कि आपको इसकी जगह कोई और इमेज सेट करनी है, मान लिया जाए ये एक वीडियो है और आपको कोई इमेज सेट करनी है, तो आप यहां से इमेज सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको करना है इमेज फुल साइज में चाहिए तो फुल साइज कर दीजिए। अपन यूज करेंगे लाइट बॉक्स और यहां से लाइट बॉक्स को यस कर दीजिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब आप वीडियो को प्ले करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा और जब आप क्लिक करेंगे वीडियो पे तो वीडियो जूम भी हो सकता है। ये मैं प्रोसेस अभी जब मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो सेक्शन में एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है। सोर्स क्या है, यूट्यूब, मतलब यहाँ पे आप यूट्यूब का वीडियो यूज कर रहे हो। यहाँ पे इतने सारे सोर्स हैं, देखिए वीमो का सोर्स है, डेली मोशन का है, सेल्फ होस्टेड है, मतलब सेल्फ होस्टेड का मतलब मैंने अपने मीडिया के अंदर वीडियो रख रखा है, उसको ही मैं क्या करना चाहता हूँ, प्ले करना चाहता हूँ। ये सारे प्रोसेस हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, वीडियो वही है जो था, बस उसकी थंबनेल चेंज हो गई। थंबनेल चेंज होने का मतलब जो ऊपर की इमेज दिख रही है वो चेंज है। और फिर आप लास्ट में यहाँ से क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। देखिए, अपडेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैं जाऊंगा वेबसाइट में और यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे की साइड जाऊंगा, देखिए यहाँ पे भी ये वीडियो दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा जो मैंने लगाया था। देखिए, लाइट बॉक्स का मतलब यही हुआ कि ये देखिए जूम होके आपके सामने क्या हो गया, प्ले हो गया। और यहां से क्रॉस करेंगे तो ये फिर से वीडियो वहीं पे चला जाएगा जितना छोटा वो दिख रहा था। तो लाइट बॉक्स लगाने का इफेक्ट यही हुआ कि आप यहीं पे उसको क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं जब क्लिक करेंगे। और थंबनेल लगाने का मतलब ये हुआ कि आप वीडियो की क्या चेंज करना चाहते हैं, इमेज चेंज करना चाहते हैं। और देखिए, मैं यहां से प्ले करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। अब म्यूट का देखिए, यहां पे म्यूट आ रहा है आपके सामने, वॉइस म्यूट है। अब आप यहां से चला के इसको क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो का ऐड करने का ऑप्शन आपको एलिमेंटर देता है और उसमें कुछ ऑप्शंस भी देता है आपको क्या क्या रखने हैं। अगर आपको ओवरले का ऑप्शन रखना है तो रखिए, नहीं तो आपको कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको रखना चाहते हैं। देखिए, एक और वीडियो ऐड करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां से वीडियो को खींच के और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ये डमी वीडियो देता है। डमी वीडियो देने का मतलब ये हुआ कि आप कोई और वीडियो का URL ले सकते हैं। जाइए आप यूट्यूब पे और वीडियो का URL लाके यहां पे क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए और जो जो ऑप्शन आपको करने वो कर दीजिए। और आप यहां से इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप जाएंगे यहां पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहां पे वीडियो, अब देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये यहीं पे प्ले हो गया। लाइट बॉक्स करने से एक बेनिफिट हुआ था कि लाइट बॉक्स में क्या हुआ था, जब आप क्लिक कर रहे थे तो जूम होके वीडियो आपके सामने क्या हो रहा था, प्ले हो रहा था। तो अभी हमने क्या देखा कि हम वीडियो को कैसे ऐड करेंगे एलिमेंटर प्लगइन के हेल्प से। थैंक यू सो मच गाइस।